हे एवरीवन, वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू. वेलकम टू लाइफ साइंस पाठशाला. माय नेम इज़ आस्था गोस्वामी एंड टुडे आई विल डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम CSIR नेट लाइफ साइंस एग्ज़ाम. ओके, तो आज मैं कुछ इकोलॉजी के PYQs डिस्कस करूँगी आपसे 2016 के. सो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मे फ्लाई, पैसिफिक सैल्मन and annual grain crops have in common? They all are: first semilparous, second heteroparous, third oviparous and fourth is viviparous. Okay, so इसमें इस question में पूछ रखा है कि जो mayfly, Pacific salmon और annual grain crops हैं, इन सब में कुछ ऐसा है जो common है. हमें बताना है कि इन चारों option में से ऐसा कौन सा option है जो इन तीनों में common है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ कि ये चारों ऑप्शन का मीनिंग क्या है. तो चलिए पहले बताती हूँ कि सिमल पैरस का मतलब क्या है. सिमल पैरस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने लाइफ में, अपनी पूरी लाइफ में केवल एक बार ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. आप सिमल पैरस को याद कर सकते हैं एस से सिमल पैरस स्टार्ट होता है और एस से होता है सिंगल. ठीक है, तो सिमल पैरस का प्रोनाउंसिएशन एस से स्टार्ट होता है और सिंगल का भी एस से स्टार्ट होता है. तो आप सिमल पैरस को एस से याद रख सकते हैं कि सिमल पैरस से का मतलब होता है सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन इन देयर होल लाइफ. ओके, और हेटेरोपैरस का मतलब होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ में मल्टीपल टाइम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब ग्रेटर देन वन टाइम. ओके, थर्ड है ओवीपैरस, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एग्स प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, और फोर्थ क्या है, वीवीपैरस. वीवीपैरस का मतलब होता है कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि बेबी बॉर्न करते हैं, दैट मीन्स बेबी प्रोड्यूस करते हैं, एग्स नहीं. ओके, सो मैंने चारों ऑप्शन बता दिया है. अब हम देखते हैं कि इन चारों में से ऐसा क्या है जो इन तीनों में कॉमन है. ठीक, तो आपको अगर मे फ्लाई, पैसिफिक सैल्मन के बारे में ना भी पता हो तो एनुअल ग्रेन क्रॉप्स के बारे में तो पता ही होगा. नाम में भी एनुअल है. अगर ये एनुअल है तो इसका मतलब कि इसकी लाइफ एक साल के अंदर ख़त्म हो जाती होगी. ठीक है, तो एनुअल ग्रीन क्रॉप्स जो होते हैं अपनी होल लाइफ में केवल एक बार ही रिप्रोड्यूस करते हैं. तो आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट सिमल पैरस, मतलब सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन करना. ओके, तो मे फ्लाई एंड पैसिफिक सैल्मन के बारे में अगर आपको ना भी पता हो तो एनुअल ग्रीन क्रॉप से आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट सिमल पैरस. ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन ये 2016 जून में पूछा गया है, पार्ट सी का क्वेश्चन है. इतने बड़े क्वेश्चन देख के आपको घबराना नहीं है, ये बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा. कॉमन सेंस के बेसिस पे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन दे रखा है, इन अ लेक सब्जेक्टेड टू प्रोग्रेसिव यूट्रोफिकेशन. प्रोग्रेसिव यूट्रोफिकेशन, ओके, टेम्पोरल चेंजेस इन मैग्नीट्यूड ऑफ सेलेक्टेड पैरामीटर्स ए बी सी एंड डी आर शोन इन द ग्राफ. ये ग्राफ है, इसमें चार पैरामीटर्स हैं ए बी सी एंड डी. ओके, ऑप्शन देखते हैं. द पैरामीटर्स ए बी सी डी आर, फर्स्ट में दे रखा है ए ग्रीन एल्गल बायोमास, बी है साइनोबैक्टीरियल बायोमास, सी है डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड डी है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. मतलब चार पैरामीटर्स हैं, ग्रीन एल्गल बायोमास, साइनोबैक्टीरिया बायोमास, डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. इन चारों पैरामीटर्स को हमें बताना है कि ये जो ए बी सी डी दे रखा है इसमें ऑप्शन में, इसमें कौन सा हम पुट करेंगे, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कौन सा कहाँ पे पुट होगा. ठीक है, तो अब हम देखते हैं ग्राफ देखते हैं. ग्राफ में देखिए, ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रहा है ए, और बी जो है ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, जबकि सी और डी जो है वो डिक्रीज हो रहा है. तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आंसर. तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है ग्रीन एल्गल बायोमास. पहले मैं आपको बता दूं कि ये बात किस टॉपिक पे कर रहा है इस क्वेश्चन में. इसमें बोला जा रहा है कि प्रोग्रेसिव यूट्रोफिकेशन हो रहा है. यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या हो गया, यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है, आपने देखा होगा किसी लेक में, किसी पॉन्ड में, कि उसका जो ऊपर का सरफेस होता है वो एकदम ग्रीन कलर का हो जाता है. मतलब उसमें वाटर दिखाई नहीं देता, वाटर की जगह पे आपको पूरा पानी ही ग्रीन कलर का दिखाई देता है. वहाँ पे क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं जो कि पूरे वाटर को कवर करके रखे होते हैं, इसी को यूट्रोफिकेशन कहा जाता है. ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रोग्रेसिव यूट्रोफिकेशन हो रहा है एंड टेम्पोरल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इन चारों पैरामीटर्स में. तो हमें बताना है कि ये जो पैरामीटर्स है चारों, वो इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कैसे कहाँ फिट हो रहे हैं.
ठीक, तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि ए जो है वो ग्रीन एल्गल बायोमास है, ये देखिए इंक्रीज हो रहा है। तो यूट्रोफिकेशन में ग्रीन एल्गल बायोमास इंक्रीज नहीं होता है, साइनोबैक्टीरिया का बायोमास इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन होता है और पूरी वाटर जो है पूरा वाटर का सरफेस ही ग्रीन कलर का दिखाई देता है। तो ए ग्रीन एल्गल बायोमास नहीं होगा, ठीक है। तो जब ए ग्रीन एल्गल बायोमास नहीं होगा तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक। अब देखते हैं हम सेकंड, सेकंड में बोल रहा है कि ए जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, बी है साइनो बैक्टीरियल बायोमास और सी है डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन एंड थर्ड है ग्रीन एल्गल बायोमास। तो जब यूट्रोफिकेशन होता है तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं वो वाटर को ऊपर से पूरा कवर कर लेती हैं, जिसकी वजह से जो वाटर के अंदर सरफेस के अंदर जो वाटर के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं छोटे छोटे, वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिलती। और मेनली जो जो प्लांट्स होते हैं वाटर में, जो प्लांट्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करते हैं, लाइट का ही तो यूज़ करते हैं ना। और अगर यूट्रोफिकेशन होता है, अगर ब्लू ग्रीन एल्गी ने पूरे वाटर को कवर कर रखा है तो सनलाइट अंदर जाएगी नहीं। और हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस होती है तभी ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता है, ठीक। तो अगर लाइट नहीं जाएगी तो जो ग्रीन प्लांट्स होंगे अंदर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा कि उस पानी में जितना भी ऑक्सीजन होगा, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होगा उस पानी में, अब उसकी कमी होने लगेगी क्योंकि वहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन तो बन नहीं रहा और उसमें जो ऑर्गेनिज्म है वो जिंदा रहने के लिए जो उस पानी में ऑक्सीजन है उसका ही इस्तेमाल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा। तो ए बोल रहा है, ए में ग्राफ में देखिए ए इंक्रीज हो रहा है और यहाँ पे बोल रहा है कि ए जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो कि इंक्रीज हो रहा है, तो होगा क्योंकि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगा जब यूट्रोफिकेशन होता है तो, ठीक। बी क्या बोल रहा है, बी कह रहा है कि साइनोबैक्टीरियल बायोमास है, तो बी जो है ग्रेजुअली बी साइनोबैक्टीरियल बायोमास बिल्कुल सही है। जो बायोमास होगा साइनोबैक्टीरिया का वो बढ़ेगा क्योंकि अगर उसका बायोमास बढ़ेगा तभी तो वो पूरे पानी को कवर करेगा, तभी तो यूट्रोफिकेशन देखा जा रहा है लेक में, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरियल बायोमास है वो इंक्रीज होगा, तो बी जो है वो भी बिल्कुल सही है। अब हम सी देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, सी देखिए डिक्रीज हो रहा है, सी ये डिक्रीज हो रहा है और इसमें बोल रहा है कि सी है डिजॉल्व ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, तो बिल्कुल सही है कि जब यूट्रोफिकेशन होगा तो जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा क्योंकि एक्स्ट्रा तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो नहीं रहा और जो है वो कंज्यूम किया जा रहा है लगातार, जिसकी वजह से जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज होगा। तो जो सी ऑप्शन बोल रहा है वो सही है। अब देख लेते हैं हम डी, डी क्या है, ग्रीन एल्गल बायोमास है और यहाँ ग्राफ में देखिए जो डी है वो डिक्रीज हो रहा है, ये डी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ग्रीन एल्गल बायोमास भी डिक्रीज होता है क्योंकि यूट्रोफिकेशन ब्लू ग्रीन एल्गी करते हैं, मतलब साइनोबैक्टीरिया करते हैं, ग्रीन एल्गल बायोमास इसी वजह से डिक्रीज होता है क्योंकि उनका कोई भी रोल यूट्रोफिकेशन में नहीं होता है, ठीक। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सेकेंड होगा क्योंकि इसमें बायोमास बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रहा है और साइनोबैक्टीरियल बायोमास भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक। और जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है और एल्गल ग्रीन एल्गल बायोमास भी डिक्रीज हो रहा है, तो राइट आंसर सेकंड होगा। लेकिन मैं फिर भी आपको थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी दिखा देती हूँ। थर्ड में कह रहा है कि जो ए होगा वो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होगा, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होगा, ठीक है। ए तो सही बोल रहा है कि इंक्रीज होगा। बी क्या है, ग्रीन एल्गल बायोमास, ग्रीन एल्गल बायोमास नहीं होगा इंक्रीज, मैंने आपको बताया अभी क्यों। सी तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में क्या बोल रहा है कि ए साइनोबैक्टीरियल बायोमास जो कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बी क्या बोल रहा है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है जो इंक्रीज हो रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया का जो बायोमास है वो एकदम से कंटिन्यूअसली अचानक से, मतलब सडनली इंक्रीज नहीं होता है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है क्योंकि उनका प्रोडक्शन तो धीरे धीरे होगा ना, और जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, ठीक है। तो इस वजह से फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। सो जो राइट आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा सेकंड। ओके, सो द राइट आंसर इज सेकंड, ठीक। अब देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड अडाप्टेड टू इट फिनोटिपिकली बट नॉट जीनोटिपिकली आर टोन एज, फर्स्ट है इकोफेन, सेकेंड इको टाइप, थर्ड इको स्पेसीज एंड फोर्थ है सीनो स्पेसीज। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक
मतलब पर्टिकुलर हैबिटेट एंड अडाप्टेड इंडिविजुअल हैं, कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो कि पर्टिकुलर हैबिटेट में हैं और वो अडाप्ट कर रहे हैं फिनोटिपिकली, मतलब वहाँ पे जो पर्टिकुलर हैबिटेट है उस हैबिटेट के अकॉर्डिंग वो खुद को अडाप्ट कर रहे हैं फिनोटिपिकली, मतलब अपना फिनोटाइप जो उनका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है ना उसको वो उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग जो है चेंज कर रहे हैं, ठीक है, बट नॉट जीनोटिपिकली, मतलब उनका जो फिनोटाइप है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पर्टिकुलर हैबिटेट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है जहाँ पे वो है वहाँ पे अडाप्ट करने के लिए, लेकिन उनका जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्पीसीज़ को हम क्या बोलेंगे, इकोफिन, इकोटाइप, इको स्पीसीज़ या फिर सीनो स्पीसीज़, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये होते क्या हैं। इकोफिन्स को इकेट्स भी बोला जाता है और इकोफिन्स जो होते हैं वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं, केवल उनका फिनोटाइप ही डिफरेंट होता है, ठीक। और इकोटाइप जो होते हैं वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं, मतलब उनका जो जीनोटाइप होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक। और इको स्पीसीज जो होते हैं वो उनमें ढेर सारे इकोटाइप्स आ सकते हैं। मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर देती हूँ, ये देखिए, इकोटोन, इकोटाइप, इकेट्स या इकोफिन, ये टेबल है, आप इसे लर्न कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ये। तो जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा वो होगा फर्स्ट इकोफेन, क्योंकि यहाँ पे ये अडाप्ट कर रहे खुद को फिनोटिपिकली, मतलब इनका फिनोटाइप चेंज हो रहा है हैबिटेट के अकॉर्डिंग, लेकिन जो जीनोटाइप है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो इकोफेन या इकेट्स ही ऐसा होता है जो कि जीनोटिपिकली सिमिलर होते हैं, केवल इनका फिनोटाइप ही डिफरेंट होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका इकोफेन्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ स्पीसीज दैट मेक्स इट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड डाइट, सेकेंड लो डिस्पर्सल एबिलिटी, थर्ड लो ट्रॉफिक स्टेटस एंड फोर्थ इज वेरिएबल पॉपुलेशन डेंसिटी। क्वेश्चन का मतलब पहले बताती हूँ आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ स्पीसीज दैट मेक इट वल्नरेबल टू एक्सटिंक्शन, मतलब ऐसा कौन सा इसमें ऑप्शन है जो कि किसी स्पीसीज को वल्नरेबल नहीं करता, मतलब ऐसा ऑप्शन है इसमें जिसकी वजह से स्पीसीज का एक्सटिंक्ट होने का जो चांस है वो कम हो जाता है, या फिर कौन से ऑप्शन की वजह से इसका जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट नहीं होगी। मतलब ऐसे तीन ऑप्शन है जिसकी वजह से स्पीसीज का एक्सटिंक्शन का चांस बढ़ जाएगा, केवल एक ही ऐसा है जिसकी वजह से स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने से बचेगी, तो वो कौन सा ऑप्शन है। अब देखिए, पहला बोल रहा है कि स्पेशलाइज्ड डाइट, मतलब अगर कोई स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक फूड ले रहा है, ठीक है। अगर कोई मान लीजिए, अगर कोई है, कोई भी इंडिविजुअल हो, अगर वो केवल मान लीजिए हमें, अगर हमें केवल चावल पसंद है, रोटी नहीं पसंद है, तो ये हमारा स्पेशलाइज्ड डाइट हो गया, ठीक है। तो अगर कोई केवल स्पेसिफिक डाइट ही लेता है तो क्या होगा, उसका एक्सटेंशन का चांस बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली उसका एक्सटेंशन का चांस बढ़ेगा, ठीक है। अगर वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होता है तो वो एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है, ठीक है। अगर वो जनरलाइज्ड हो जाए, वो सब कुछ खाए, तो वो किसी भी कंडीशन में रहे उसको जो भी मिलेगा वो खाएगा और वो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन अगर कोई स्पेशलाइज्ड हो जाए, केवल कुछ स्पेसिफिक फूड ही सेलेक्ट करता है खाने के लिए, तो वो एक्सटिंक्ट होने का उसका मैक्सिमम चांस है। तो ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा क्या है, लो डिस्पर्सल एबिलिटी। लो डिस्पर्सल, अगर कोई स्पीसीज है, अगर उसकी डिस्पर्सल एबिलिटी, मतलब कि वो उसका फैलाव काफ़ी कम है, वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब केवल छोटे से एरिया में ही वो पाया जा रहा है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा है, केवल कुछ ही जगहों पे वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, तब भी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा क्योंकि उसकी डिस्पर्सल एबिलिटी काफ़ी पुअर है। और फोर्थ में देखिए, वेरिएबल पॉपुलेशन डेंसिटी, अगर उसका पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब पॉपुलेशन की जो साइज है वो वेरी कर रही है, फ्लक्चुएट हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो भी एक्सटिंक्ट होने के उसके भी मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि उसका पॉपुलेशन स्टेबल नहीं है, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। जो थर्ड ऑप्शन है उसमें बोला जा रहा है कि लो ट्रॉफिक स्टेटस, तो जो राइट आंसर होगा इस ऑप्शन का वो होगा थर्ड, लो ट्रॉफिक स्टेटस। लो ट्रॉफिक स्टेटस का मतलब मैं आपको समझाती हूँ कि अगर यहाँ पे लो की जगह पे हाई होता ट्रॉफिक स्टेटस, तो ये भी आ जाता एक्सटिंक्शन के कैटेगरी में, क्योंकि बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन आपने पढ़ा होगा या सुना होगा, उसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा आप ऊपर के ट्रॉफिक लेवल पे जाते जाएंगे, जो केमिकल का कंसंट्रेशन होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म ने एक ट्रॉफिक लेवल को कंज्यूम करके अपने अंदर लिया था, वो कंसंट्रेशन वो कंटिन्यूसली जो है इंक्रीज होता रहता है। तो जितना ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल हाई होता जाएगा तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा और केमिकल का जो कंसंट्रेशन है उसके अंदर वो भी बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से
क्या होता है उसके लिए, उसकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा वो डेंजरस हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये जो थर्ड ऑप्शन है सही होगा, लो ट्रॉफिक स्टेटस। अगर लो ट्रॉफिक स्टेटस है तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन डिक्रीज़ होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन है वो काफ़ी कम रहता है, क्योंकि वो पहले या दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर है तो वो हर्बीवोर होगा, है ना। तो अगर वो हर्बीवोर थे वो प्लांट को खाएगा तो जो केमिकल का कंपोजिशन उसके अंदर जाएगा वो काफ़ी कम होगा, और उसको जब उसके ऊपर के ट्रॉफिक लेवल वाले इंडिविजुअल्स कंज्यूम करेंगे तो उनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और ये ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ये इंक्रीज़ होता जाता है, ठीक है। तो जो टॉप वाले होते हैं, जो टॉप टॉप लेवल पे जो ट्रॉफिक लेवल के इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनका जो एक्सटेंशन का चांस होता है इसी वजह से हाई होता है, क्योंकि उनमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो थर्ड होगा, लो ट्रॉफिक स्टेटस, ठीक है। इसकी वजह से एक्सटिंक्शन का चांस काफ़ी कम हो जाएगा, जबकि ये जो बाकी तीनों पहले दूसरे और चौथे ऑप्शन हैं ये क्या कर रहे हैं, किसी भी स्पीसीज को बहुत ज़्यादा एक्सटिंक्शन के करीब लेके जाते हैं। सो राइट आंसर इज थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में बोला जा रहा है मैच द करेक्ट लोकल नेम ऑफ टेम्परेट ग्रास लैंड विद देयर जियोग्राफिकल रेंज। जियोग्राफिकल रेंजेस दिए गए हैं और इधर क्या है, ग्रासलैंड है जिनका लोकल नाम बताया गया है, हमें मैच करना है, ठीक है। तो इसको मैच करने से पहले मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड कर रखी हूँ, ये दिखा देती हूँ कि यहाँ पे कुछ नाम है उनके लोकल नेम है। प्लेन्स का मतलब जनरली क्या होता है, फ्लैट लैंड। ओके, प्लेन्स का मतलब फ्लैट लैंड। अगर प्रायरीज हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड्स होते हैं ना उनको प्रायरीज बोला जाता है, ठीक है। और नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड जो होती हैं उनको स्टेपीज भी बोला जाता है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड होंगी उनको प्रायरीज भी बोल सकते हैं, स्टेपीज भी बोल सकते हैं। और जो अफ्रीका में जनरली ग्रासलैंड्स होते हैं ना उनका कॉमन नेम जो है, लोकल नेम, उनको सेवेना बोला जाता है। सेवेना तो सभी जानते होंगे, सेवेना अफ्रीका में जो ग्रासलैंड है उनको सेवेना बोला जाता है। और पैम्पस और कैंपस, ये जो दोनों नेम है ना ये साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड के लिए दिया जाता है, ठीक। और जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका उसके जो ग्रासलैंड्स हैं उनको जनरली वेल्ड्स बोला जाता है, ठीक। तो अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाती हूँ, ऑप्शन में क्या है, पहला है एशिया, दूसरा है नॉर्थ अमेरिका, थर्ड है साउथ अमेरिका, फोर्थ है साउथ अफ्रीका। तो जो ये देखिए, वेल्ड्स किसको बोला जा रहा है, साउथ अफ्रीका को, सॉरी, हाँ, तो साउथ अफ्रीका को वेल्ड्स बोला जाता है। तो फोर क्या हो जाएगा, फोर का हो जाएगा डी। फोर का डी किस में है, फोर का डी देखिए ऑप्शन सेकेंड में है, ये रहा, और फोर्थ में है, ठीक। अब और देख लेते हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा और ये सेकंड वाला भी नहीं होगा, मतलब या तो ऑप्शन सेकंड हो सकता है या फिर फोर्थ हो सकता है। अब हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड एशिया का। तो साउथ अमेरिका को क्या बोला जाता है, अभी मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका को पैम्पस भी बोलते हैं या फिर कैंपस भी बोलते हैं, मेनली उनके ग्रास लैंड को, ठीक है। तो साउथ अमेरिका का क्या हो जाएगा, साउथ अमेरिका का हो जाएगा पैम्पस, और साउथ अफ्रीका का क्या हो जाएगा, वेल्ड्स। तो फोर्थ का हो गया डी, जो कि चौथे में और दूसरे में है, और थर्ड जो है साउथ अमेरिका, इसका होगा ए। थर्ड का ए देखिए दूसरे में भी दिया है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है, तो तीसरा तो होगा नहीं और दूसरे या चौथे में से ही होगा। तो अब देख लेते हैं एशिया और नॉर्थ अमेरिका का क्या होगा। नॉर्थ अमेरिका का मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका का प्रायरीज भी होता है और स्टेपीज भी होता है, तो यहाँ पे प्रायरीज और स्टेपीज दोनों दे रखा है। तो जो मोस्ट एक्यूरेट होगा नॉर्थ अमेरिका के लिए वो होगा इसका प्रायरीज। ओके, नॉर्थ अमेरिका का प्रायरीज होगा और एशिया का जो होगा वो स्टेपीज हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा सी। फर्स्ट का सी किस में है, फर्स्ट का सी पहले में है और दूसरे में है, तो पहला हमारा पहले ही एलिमिनेट हो गया था ऑप्शन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। तो एशिया का हो जाएगा स्टेपीज और नॉर्थ अमेरिका का हो जाएगा प्रायरीज। साउथ अमेरिका का हो जाएगा क्या, साउथ अमेरिका का स्टेपीज हो, ओ एक मिनट, एशिया का क्या हो जाएगा, एशिया का हो जाएगा सी स्टेपीज, नॉर्थ अमेरिका का हो जाएगा प्रायरीज और साउथ अफ्रीका का वेल्ड्स होता है, ठीक, और साउथ अमेरिका का हो जाएगा पैम्पस। ओके, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड, ठीक। ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आप इसे लर्न कर सकते हैं। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन आज का मेरा 127। ओके, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, इसको ये
बहुत ही ज़्यादा ईजी है. इन अ नेचुरल सिस्टम अ स्पीसीज प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर, ओके, लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग वाइल लिटिल आर नो पेरेंटल केयर जनरली एग्जिबिट विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व. यहाँ पे चार सर्वाइवरशिप कर्व दे रखा है, उनका ग्राफ दे रखा है, ठीक है. हमें बताना है कि मतलब एक स्पीसीज के बारे में बोल रखा है कि स्पीसीज जो है वो लार्ज नंबर में ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है और उसमें लिटिल और नो पेरेंटल केयर, मतलब ऐसी स्पीसीज़ है जिसमें जो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रही है, बहुत ज़्यादा चाइल्ड प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसमें जो पेरेंटल केयर है वो बिल्कुल थोड़ा है या फिर है ही नहीं, कोई पेरेंटल केयर नहीं है. तो ऐसी स्पीसीज जो है वो उसको हम किस सर्वाइवरशिप कर्व में रखेंगे. तो ये और ये तो किसी सर्वाइवरशिप कर्व में आते ही नहीं है. थ्री टाइप के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3, ओके. तो यहाँ पे ये देखिए जो टाइप थर्ड है वो ये है और टाइप वन जो है ये है, और जो टाइप सेकंड होता है ना वो टाइप सेकंड जो होता है वो ऐसे होता है, ठीक, जो कि दे नहीं रखा है. तो या तो ऑप्शन पहला होगा या तो दूसरा होगा. तो ये जो स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा है, ये बात कर रहा है एनुअल क्रॉप्स के बारे में. एनुअल क्रॉप्स मतलब जो जो हर्बेसियस प्लांट्स होते हैं, जो एनुअल प्लांट्स होते हैं जनरली, वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन पेरेंटल केयर उनमें बिल्कुल भी नहीं होता. और उनको किस कैटेगरी में रखा गया है? टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व में उनको रखा गया है, ओके. और इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखा है पहला और दूसरा, तो ये पहला जो है वो टाइप फर्स्ट को बता रहा है और जो दूसरा है वो टाइप थर्ड को बता रहा है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड होगा, क्योंकि यही टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व को बता रहा है. और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो स्पेसीज है वो एनुअल प्लांट्स आप ले सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो जिसके साइज स्मॉल है और वो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है बिना किसी पेरेंटल केयर के, ओके. सो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इसका है सेकंड. ये टाइप थर्ड सर्वाइवरशिप कर्व का ये डायग्राम है, ओके. राइट आंसर है सेकंड. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू.